कोस पर बदले पानी, चार कोस परवानी। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे आज हिंदी विभाग जो है खोठा दिवस मना रहा है, श्रीनिवास पानल जी की जन्मतिथि है, जन्मदिवस है, जयंती है और याद किया जा रहा है उनको। लेकिन इसमें खास क्या हुआ तो मैं बताऊंगी। खोठा जगत के, खोठा सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं, हीरो हैं, अमन राठौर जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहूंगी कैसा लगा कार्यक्रम में शामिल होकर, और अब वो खोठा भाषा को लेकर के क्या सोच रखते हैं, और झारखंड में इस भाषा की क्या स्थिति है। पहले तो जोहार सर। जोहार आपके इंडियन गार्ड के सभी लोगों को, और विशेष आभार धन्यवाद हमारे मुकुंद सर जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया जी। उसको उनको विशेष साधुवाद। सर एक चीज़ बताइएगा, झारखंड में है अभी नया जन जागरण चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं संस्कृति जो है वो खत्म होने के कगार पर है, आप झारखंडी सिनेमा को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े उभरते अच्छे कलाकार हैं, सभी लोग आपको आइडल मानते हैं, आपको क्या लगता है अपनी ओर से एक इंडिविजुअल क्या प्रयत्न या प्रयास कर सकता है जिससे खोठा भाषा, झारखंडी भाषा को बचाया जा सके? देखिए, खोठा जो हमारी सिनेमा है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से शोषित हो रही है। आप इसको सामाजिक स्तर पर देख लीजिए तो सबसे पहले जो खोठा भाषी है, जो खोठा बोल चाल में जिनकी भाषा है, वही खोठा सिनेमा का सम्मान नहीं करते हैं जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जी। वो खोठा सिनेमा या खोठा सिनेमा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको वो प्रमोट उतने तरीके से नहीं करते। और दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, जो हमारी सरकार है, झारखंड के बने हुए लगभग 23 साल हो गए, 23 साल में जो भी सरकार बनी है, जिस भी पार्टी की बनी है, उनका ध्यान झारखंडी सिनेमा, कला, संस्कृति की ओर नहीं आया ध्यान, और ना ही इसके विकास के लिए हमारी सरकार ने कोई बड़ी या विशेष योजना बनाई है, जिसका ये आज रिजल्ट है, जो स्थिति है कि खोठा सिनेमा को आज जहाँ पे होना चाहिए, या यूँ कहिए कि झारखंड की जो गीत संगीत सिनेमा इंडस्ट्री है वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, हमारे साथ विनयदा हैं और बहुत से लोग हैं, मुकुंददा जी है और लेखक, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्तर से हमारी जो खोठा भाषा है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने में अपना बहुत बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। सर आज आप बच्चों के बीच में शामिल रहें, हर बच्चे का सपना है, खास करके लड़के लड़कियों में रोज़ अपने आप को अगर ज़रा सा अच्छे दिखते हैं तो लगता है कि हीरो बन जाएंगे या हीरोइन बन जाएंगे। मुंबई की जो दुनिया है वो चकाचौंध की है, और कहते भी हैं माया नगरी है, आप कितना महसूस करते हैं कि सच में वहाँ माया ही है या कुछ हकीकत भी है? नहीं नहीं यूँ जो आप बात कहें बिल्कुल सही है। देखिए कहीं ना कहीं हर युवा, या बोलिए यूँ तो हर इंसान के अंदर में ये भाव होती है कि हम एक बार स्क्रीन में दिखे। कुछ लोग उसको व्यक्त करते हैं और कुछ लोग संकोच के कारण व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि जो चीज़ दिखता है वो तो है ही है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती है, उसमें हम लोग को जाना नहीं है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि सिनेमा या मनोरंजन यूँ कहिए कि आज जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोरंजन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, आप अपने एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में बोरिंग महसूस कर रहे हैं या फिर थका हुआ या डिप्रेशन टाइप कुछ फीलिंग्स हो रहा है, तो एक अच्छी मूवी या एक गान, अच्छी संगीत को सुनकर अपने आप को, आप मतलब अपने मूड को रिफ्रेश करके नई एनर्जी के साथ अपने काम में लग सकते हैं। सर एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जैसे कहा गया है हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई जी, कहते हैं दिवस कमजोर का मनाया जाता है, महिला दिवस है, टीचर्स है, टीचर्स डे जो हम मनाते हैं, और आज जो है भाषा के लिए खोठा भाषा का दिवस है। कभी भी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता है, तो मजबूतों के लिए दिवस नहीं मनाया जाता है। झारखंड में आपको क्या लग रहा है, खोठा अभी फिलहाल 23 में कितनी कमज़ोर है? पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सही बात है, कमज़ोर के लिए ही दिवस मनाया जाता है, और बिल्कुल मुझे ये कहने में झिझक नहीं महसूस हो रही है कि आज खोठा भाषा कमज़ोर है जी। कमज़ोर है, उसका एक कारण है खुद खोठा भाषा भाषी, खुद घर के लोग जी।
उनको आगे आना होगा, आगे वाली पीढ़ी को आना होगा और गर्व से कहना होगा कि हम खोटा भाषी हैं और हम खोटा बोलते हैं और पूरे गर्व के साथ बोलते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दो खोटा भाषा भाषी आज के बाद कहीं भी मिले, ये देश के किसी शहर में या फिर विदेश में भी एक दूसरे से मिले तो गर्व के साथ खोटा में एक दूसरे के साथ संवाद करें, तब लगेगा खोटा ने अपनी मुकाम हासिल की है।